फ्रेंड्स, अ न्यू पार्ट टू हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम एक झटपट से बनने वाली सब्जी बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है मलाई टमाटर की सब्जी। यह बहुत जल्दी बन जाती है और ये स्वाद में भी बहुत अच्छी है और ये हेल्थ में भी अच्छी है। चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। 2 टमाटर कद्दूकस हुआ हुआ, 2 चम्मच मलाई, चुटकी भर हींग, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अदरक कसा हुआ और 1 चम्मच नमक। आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। मैंने गैस पे पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब भी हम इसे गर्म होने देंगे। देखिए अब घी गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। जैसे जीरा भुनना शुरू होगा हम इसके अंदर अब अदरक डाल देंगे। इसके अंदर हींग डाल देंगे। अब हम नमक डाल देंगे और नमक को हिलाने के बाद अब हम टमाटर डालेंगे। ये है हमारी झटपट से बनने वाली सब्जी। और जब हमारा टमाटर पूरा भुन जाएगा तब हम इसके अंदर मलाई डालेंगे और मलाई डालते ही हम गैस को बंद कर देंगे। इसमें हमें ज्यादा सब्जियों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स देखिए अब हमारा टमाटर भुन चुका है। इसको भुनने में हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कसूरी मेथी डाल देंगे और फिर उसे भूनकर हम गैस बंद करके उसमें मलाई डालेंगे। मैंने कसूरी मेथी इसमें डाल दी है। अब हम पहले इसे भूनेंगे। इसको भूनने में भी 1 मिनट के करीब लग जाएगा। कसूरी मेथी भून चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसके अंदर मलाई डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी अब ये मलाई टमाटर की झटपट सब्जी रेडी है। और आजकल के कोरोना वायरस के चक्कर में जो हम बाहर नहीं जा सकते किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो हम घर में इस सब्जी को बनाकर इसका मजा भी ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी मलाई टमाटर की सब्जी रेडी है। आप भी इसे अपने घर पर बनाइए और इसका मजा लीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।